चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक का खून का कतरा बांधा खड़े भारत के ऊपर, आता के रहता हूँ, तीन तीन महीने से चार महीने पड़ रही हूँ। अपना पैसा लेकर रहेंगे। यहाँ 90% किसान जो है केवल केवल खेती पर निर्भर है, जिसके घर में नौकरी नहीं है। कोतली बागड़ी दे रही है, हमारा पैसा है, वो पैसा हमको मिलना चाहिए। आपके हाथ में कलम है और इनके हाथ में लठ है, इस काम में देरी ना कीजिए। लखनऊ को सीधा बात कीजिए आप। क्रांतिकारी और किसान के ऊपर, जवान के ऊपर, मजदूर के ऊपर मरने हुए। हमने अपनी माँ का दूध बेच धरती का खा जब जरीन करते। मेरे वतन के लोगों आंखों में भर लो पानी, जो शहीद उनकी याद करो कुर्बानी, जो लोह पड़ा था पत्थर पर वो था हिंदुस्तानी। अब सुन लो बात मेरी, इधर नरम आ जाऊं। मजदूरी तड़की तक रहा, 4 बजे तक उठ गए, समस्या के आ गई। बात चौधरी महेंद्र सिंह कहता करनी कथनी बदल दो, इन्होंने नहीं बदली। चौधरी चरण सिंह कहता कि नहीं अध्ययन खरबोल तो बचियो, भाग के मरे तला बैठ गए, भाग के पल भर का अपना जीवन भर का रोना कर दिया। आप लोगों ने कर दिया, नहीं कर दिया, इधर नहीं करना मौत हो रहा। 3 महीने तो हम यहाँ बैठे, अगर जिले में नेता एक हो जाओ, अरे हम मर के दूसरा होगा। भगत सिंह नहीं तो कहता, अरे एक भगत सिंह मरेगा 100 भगत सिंह होंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक का खून का कतरा बांधा खड़े भारत के ऊपर, है आता के रहता हूँ, तीन तीन महीने से 4 महीने पड़ रही हूँ। बुलाना हो ले यार। किसान किस मूड में है यहाँ पे? किसान आर पार के मूड में है। आज हमारा कुछ समाधान बैठे बैठे अनिश्चित में हम तहसील भी करेंगे, यहाँ से तबाही मचेगी, कुछ भी होगा। जब हम भूखे मरेंगे तब और को भी करेंगे, बैठे नहीं हम चैनते है, अपना पैसा लेकर रहेंगे। हमने फसल बेच दी और पैसा मिला नहीं, कहाँ से बच्चे को पढ़ावे, घर चलावे, कैसे बच्चों की शादी करे, या घर में कुछ नया करने की इच्छा हो तो कैसे करे। यहाँ 90% किसान जो है केवल केवल खेती पर निर्भर है, जिसके घर में नौकरी नहीं है। यहाँ क्यों आ रहे हैं तुम? स्कूल जाओ। अच्छा मोदी योगी को क्या कहना तुम्हारा? सारा जहां ये कह रहा तुझ में भलाई ना, सारा जहां ये कह रहा तुझ में भलाई ना, प्रकृति बोल उठी हारे सच्चाई ना, चाहते लड़ाई ना, चाहते लड़ाई ना, करते ऐलान मोदी तेरे से हारेंगे नहीं ये किसान। ये क्रांतिकारी धरती है, अगर यहां से निर्णय होगा कि बिल नहीं चलेगा, अगर बिल पट भी जाएगा तो चलने नहीं देंगे। लेकिन जो शामली सुगर मिल है, ये सबसे पीछे चल रही है, 225 करोड़ रुपए आज भी इन किसानों का बकाया है। इन किसानों के भी पास में बच्चे हैं, कोथली बागड़ी दे रही है, हमारा पैसा है, वो पैसा हमको मिलना चाहिए। कई धरने हमारे जिले में हो चुके हैं अब तक, और जो सरकार है
बार बार हमारी बातों को अनसुना करती है, आपको हमें मजबूर करती है कि हम लोग धरने पर बैठे अपना काम काज छोड़कर संघर्ष करें, ये कोई जिंदगी नहीं है। आप और हम यहाँ पर एक स्थायी समाधान के लिए उपस्थित हैं। कान खोल के सुन ले, यहाँ अधिकारी मौजूद हैं। जब तक इस जिले के किसानों का भुगतान नहीं होता, यहाँ धरने का फैसला भी समिति लेगी, उनके फैसले के साथ हैं। और दूसरी बात, आप समय पे भुगतान किसानों का नहीं कर रहे, कोई उम्मीद मत रखो कि बिजली का बिल हो या कोई रिकवरी आप किसान के घर से कर पाओगे। बिजली का बिल किसान देने का बोझ नहीं है, किसान नहीं दे सकता। अमित शाह जी ने घोषणा की थी, याद है कि नहीं, कि हमारी सरकार बनवाओगे फ्री बिजली किसानों को देंगे। जितने अधिकारी हैं आपके हाथ में कलम है और इनके हाथ में लठ है, इस काम में देरी ना कीजिए। लखनऊ को सीधा बात कीजिए आप।